करते शुरू। मैकेनिकल वाले होमवर्क थे 3 सम, 2 सम। कल का वो सम द बेस्ट सम था जो दिया लास्ट में होमवर्क, क्यू इक्वल टू एन डी क्यूब वाला। वो किया क्या? उसमें प्रेशर पी भी था और लास्ट में पी इक्वल टू गामा एच मतलब रो जी एच पुट करना था, तो उससे वो रो रो कैंसिल होता। वो सम करना अभी बोल रहा हूँ, द बेस्ट सम था उस चैप्टर का। 2 बार लगातार आया हुआ सम है वो, दिसंबर 14 एंड मई 15। ठीक है मैकेनिकल वाले याद रखना, नहीं किया ना याद रखना। हाँ ठीक है, किया क्या? नहीं किया, फिर क्या याद रखेंगे? किसम अच्छा है करके, ठीक। 2 बार आया है ये याद रखेंगे, गुड। और दूसरा सम दूसरे समय भी इक्वेशन था। हाँ निगलेक्टिंग इफेक्ट ऑफ होमवर्क, ठीक। लिखते सिविल वाले, तुम भी लिखेंगे सिविल वाले। जो हम पढ़ रहे थे चैप्टर डायमेंशन एनालिसिस जो तुमको यूनिट 1 में था, ठीक है, उसका एक 10 मिनट का पार्ट जो तुम्हारा भी हुआ नहीं है वो लिख लेते पहले। डायमेंशनलेस नंबर, कौन से डायमेंशनलेस नंबर है? रेनॉल्ड्स, यूलर्स, वेबर, मैक नंबर। ओके लिखते, टाइटल देना डायमेंशनलेस नंबर्स, डायमेंशनलेस नंबर्स। लिखते हैं फर्स्ट रेनॉल्ड्स नंबर, लिखते हैं फर्स्ट रेनॉल्ड्स नंबर, लिखते हैं उसमें इट इज रेशियो ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स, इट इज रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, इट इज रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स एंड डिनोटेड बाय, एंड डिनोटेड बाय आर ई, आर सफिक्स छोटा ई। जैसे लिखो आर ई इक्वल टू इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। और क्या लिखा था हमने रेनॉल्ड्स का इक्वेशन? रो वी डी बाय म्यू। कई बार ये रो वी एल बाय म्यू भी लिखते हैं। ये रेनॉल्ड्स नंबर याद रखना जब तक नेक्स्ट सेमेस्टर का हीट ट्रांसफर क्लियर नहीं था तब तक, ठीक है। ये जितने भी नंबर है ये सारे नंबर नेक्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिकल वाले हीट ट्रांसफर में काम आते हैं। ओके सबसे ज्यादा ये रेनॉल्ड्स नंबर, ये ऐसा भी लिखते हैं और ऐसा भी लिखते हैं, दोनों सेम है क्योंकि डायमीटर का डायमेंशन और लेंथ का डायमेंशन सेम है। ओके इन केस ऑफ पाइप फ्लो रो वी डी बाय म्यू लिखते हैं, इन केस ऑफ प्लेट फ्लो इसको रो वी एल बाय म्यू लिखते हैं। मतलब अगर कोई प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसके ऊपर से लिक्विड फ्लो रहा है, तो अभी क्या उसको तो डायमीटर है नहीं, तो उसमें क्या हम रेनॉल्ड्स नंबर नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं, उसमें डायमीटर को रिप्लेस करते हैं बाय लेंथ। ठीक है लिखते आगे,
इट इज यूज्ड इन पाइप फ्लो, इट इज यूज्ड इन पाइप फ्लो कॉमा मोशन ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज, मोशन ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज लाइक सबमरीन एरोप्लेन्स एटसेट्रा. सेकंड फ्राउड नंबर एफ आर ओ यू डी एफ आर ओ यू डी ई फ्राउड नंबर ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म एफ आर. इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स. इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स इसे लिखो एफ आर इक्वल टू अंडर रूट इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. इक्वल टू लिखो वी अपॉन रूट एल छोटा जी. ये ऐसे याद रखो, ये सारे नंबर पांच नंबर हैं, दो दो मार्क के लिए आते हैं एग्जाम में, चार बार आए हुए हैं दो दो मार्क के लिए. ठीक है, कोई भी तीन नंबर डिफाइन करने के लिए बोले जाते हैं, डेफिनेशन लिखो, इक्वेशन लिखो, ये लिखो, इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन होता है इसको बट जरूरत नहीं है, और वो नंबर कहाँ पे यूज होता है उतना लिखना है, खत्म. ठीक है, लिखते नीचे इट इज यूज्ड इन ओपन चैनल फ्लो, इट इज यूज्ड इन ओपन चैनल फ्लो इन विच ग्रेविटी फोर्सेस, इन विच ग्रेविटी फोर्सेस आर इंपॉर्टेंट, in which gravity forces are important. Third, Mach number, M-A-C-H, Mach number. It is square root of ratio, it is square root of the ratio of inertia force to elastic force. Inertia force to elastic force. Full stop. It is denoted by M, capital M. हमने बोला M equal to under root inertia force to elastic force. Equal to लिख दो V by C. V by C. बाकी सारे टर्म्स तुम्हारे पहचान के, इसलिए टर्म्स के मीनिंग नहीं लिखवाए. रो वी डी म्यू सब तुम पहचानते, V velocity, L length, G gravitational acceleration, V velocity. नीचे लिखो वेयर C इक्वल टू सोनिक वेलोसिटी, C इक्वल टू सोनिक वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट होता है K बाय रो, इक्वल टू अंडर रूट K बाय रो. It is used in, it is used in aerodynamics, it is used in aerodynamics. Next, fourth, Weber number, W-E-B-E-R, Weber number. It is square root of ratio of, it is square root of ratio of inertia force to the surface tension force,
to the surface tension force and denoted by W, bada W. Which like do W equal to under root inertia force upon surface tension force V upon root sigma by rho L. It is used in study of thin films of liquid and study of droplets, thin film of liquid and study of droplets, capillary flow, etc. And last, Euler number, EULER, Euler number. It is square root of ratio of inertia force to pressure force. Which like though E equal to inertia force upon pressure force equal to V upon under root P by rho. V upon under root P by rho. It is used in cavitation studies. Cavitation, CAVITATION, cavitation studies. Cavitation generally hota hai in case of pump and turbines. ठीक है, वो नेक्स्ट सब में टर्बो में पता चलेगा तुमको कि कैविटेशन होता क्या है. ये 5 नंबर पहले के सिलेबस में इन पे न्यूमेरिकल थे. नाउ इन न्यू सिलेबस नो न्यूमेरिकल्स ऑन दीज नंबर्स, ओनली डेफिनेशन. ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर अंडर रूट में है और सबके न्यूमरेटर में इनर्शिया फोर्स है. इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स और लास्ट में प्रेशर फोर्स. ठीक है, याद से सिर्फ रेनॉल्ड्स में अंडर रूट नहीं है, बाकी सब में अंडर रूट है. ठीक है.